बचपन के दिनों में आप सभी ने बतासे जरूर से खाए होंगे, लेकिन आप सभी को ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि वो छोटे से दिखने वाले बतासे केवल चीनी की चाशनी से नहीं बल्कि बहुत सारे केमिकल को डाल के बनाया जाता है, इसलिए वो इतने फूले सफेद और चमकीले होते हैं। तो आज मैं आपको बतासे बनाने की पूरी सच्चाई दिखाने वाला हूं, जिसको देखने के बाद शायद ही कभी आप बतासे खाएं, तो पूरी वीडियो देखना आप सभी को पूरा मजा आएगा। तो बतासे बनाने के लिए सबसे पहले बड़े से पतीले के अंदर 50 किलो के चीनी के बोरे को खाली किया जा रहा है और इसके बाद इसमें पानी मिलाया जाएगा। पानी मिलाने के बाद चीनी और पानी को अच्छी तरीके से मिक्स किया जाएगा ताकि इसकी चाशनी बन सके। जब ये अच्छी तरीके से उबल जाएगा, खोल जाएगा, तो इसमें खास प्रकार का केमिकल मिलाया जाएगा जिसको हाइड्रो कहते हैं। ये जो केमिकल होता है चाशनी के अंदर इस कारण डाला जाता है ताकि चीनी की चाशनी में जितना भी मैल हो वो काट सके और उसकी सफाई हो सके। इसके बाद इसमें दूसरा भी केमिकल डाला जाएगा जिसको टीनोपाल कहते हैं। अब ये जो केमिकल होता है चाशनी के अंदर इस कारण डाला जाता है ताकि बतासे के अंदर चमक आ सके। और यहाँ पर ये दोनों चीजें डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया जाएगा। जब ये दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी तो बतासे बनाने का मेन प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो भट्टी के ऊपर ये जो औजार आप देख रहे हैं इसको जोड़ी कहते हैं, और जोड़ी के अंदर दो प्रकार की चाशनी को डाला जाता है, ठंडी और गर्म। भट्टी के ऊपर इसको 10 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है तो इसको उतारा जाता है, और ये जो चीज आप देख रहे हैं इसको रीठा कहते हैं। और ये जो रीठा होता है वो चाशनी के अंदर इस कारण डाला जाता है ताकि चाशनी हमारी फूली फूली रह सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो औजार आप देख रहे हैं इसको चिड़िया कहते हैं, और इसकी मदद से ये चाशनी में डाल दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी चाशनी में झाग आ चुका है। अब सामने की तरफ ये जो पाउडर आप छनता हुआ देख रहे हैं अरारोट का पाउडर होता है, और इसी पाउडर को झाड़ू की मदद से पूरे फर्श पे फैलाया जाता है जहां पर बतासों को बनाया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से झाड़ू से यहां पर साफ किया जा रहा है। सबसे पहले जोड़ी को जंजीर में टांग दिया गया है ताकि हमारी जो जोड़ी है जमीन से थोड़ी उठी हुई लग सके। अब यहां पर आप देख सकते हैं जो औजार आप इनके हाथ में देख रहे हैं इसको चिड़िया कहते हैं, और इसी चिड़िया की मदद से बतासों को बनाया जाता है। और जोड़ी के अंदर कोई छेद नहीं होता बल्कि इसको चिड़िया की मदद से लगातार साइड से गिराते रहते हैं, और इसी तरीके से हमारे जितने भी छोटे छोटे बतासे हैं वो बनते रहते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं फर्श के ऊपर जितने भी बतासे बनाए गए थे वो पूरी तरह से सूख चुका है और इसको समेटने का काम चल रहा है। और ये जो बतासे बनाने का समेटने का कार्यक्रम है इसी तरीके से पूरे दिन चलता रहता है, और एक बार की जोड़ी से कम 4 से 5 किलो बतासे बनाए जाते हैं। तब पैक करने का काम किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े सी छलनी के अंदर बतासों को डाला जा रहा है और कम से कम 10 किलो का एक कार्टून तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे बतासों को समेट लिया गया है और पूरा यहाँ पर जो छलनी है उसे भर दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार्टून के अंदर इसको पलट दिया गया है और कम से कम एक कार्टून 10 किलो का बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्टून के अंदर हमारे जो बतासे कितने बढ़िया लग रहे हैं, चमकदार लग रहे हैं। अब इसको तौला जाएगा ताकि आगे इसे दुकानों पर बेचा जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी एक्स्ट्रा यहाँ पर बतासे इसके अंदर होते हैं उसे निकाल लिया गया है। अब अखबार डाल के इस कार्टून को पैक किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको पैक किया जाता है ताकि दुकानों पर इसे भेजा जा सके। तो आज मैंने आप सभी को दिखाया कि किस तरीके से बतासों को बनाया जाता है और क्या क्या प्रोसेस होता है, साथ ही में कितने सारे केमिकलों को डाल के बतासा बनाया जाता है। तो अगर आपको नहीं पता था तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना जिन्होंने बचपन में बतासे खाए थे और आप सभी को खिलाया भी था। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा।